हेलो स्टूडेंट क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 27, 28, 29 एंड चैप्टर नंबर 30। सब्जेक्ट इज जीके। आज हम जीके के चैप्टर 27 जो कंप्यूटर टर्म्स हैं, चैप्टर 28 जो प्लांट्स नाम से चैप्टर है, चैप्टर 29 मोर ऑन प्लांट्स एंड चैप्टर 30 प्लांट टाइप्स, ये चारों चैप्टर आज करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर 26 तक कंप्लीट कर लिया था। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। फर्स्ट इज कंप्यूटर टर्म्स, चैप्टर 27 कंप्यूटर टर्म्स। ये एक चैप्टर है जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ टर्म्स दी हुई हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईमेल। क्या बोलते हैं, ईमेल। ई से इलेक्ट्रॉनिक, मेल से मेल, तो इसके शॉर्ट फॉर्म है ईमेल। सेकेंड इज ए लिस्ट ऑफ कमांड। जो कमांड होती है कंप्यूटर में उसकी जो लिस्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेनू। क्या बोलते हैं, मेनू। यूज़ टू ऑर्गेनाइज फाइल, फाइल को रखने के लिए जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में, जिसको हम यूज़ करते हैं फाइल्स को, अपनी जितनी फाइल हैं उनको ऑर्गेनाइज, उनको रखने के लिए, तो उसे फोल्डर बोलते हैं। सेटिंग दैट इज़ ऑटोमेटिक अनलेस चेंज बाय यूज़र। कंप्यूटर में जब हम स्टार्ट करते हैं उसमें ऑटोमेटिक कुछ सेटिंग्स होती हैं और वो तब तक रहती हैं जब तक आप उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज ना कर दें, तो उन सेटिंग्स को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग। क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप से ही पहले से ही सेट होके आया है कंप्यूटर में, और आप वो तब तक वैसे ही रहेंगी सेटिंग जब तक आप उसे चेंज नहीं करते अपने अकॉर्डिंग। फिफ्थ इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है एक मेमोरी है, और इसके शॉर्ट फॉर्म है रैम, RAM। R से रैंडम, A से एक्सेस और M से मेमोरी। सिक्स्थ इज एक्सपेंड द विंडो टू फिल द स्क्रीन। जो विंडो है कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोलते हैं कंप्यूटर में, उसकी विंडो को उसका पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर फिट करने के लिए जो ऑप्शन होता है उसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज। जब आप मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है लास्ट ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो विंडो है कोई भी प्रोग्राम है वो अपने आपके कंप्यूटर पर फिट हो जाएगा, पूरे कंप्यूटर पर वो दिखाई देने लगेगा। माइनेचर वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट उसे बोलते हैं थंबनेल। जो मिनिएचर वर्जन कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका छोटा वर्जन उसे बोलते हैं थंबनेल। एट इज़ स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे वो छोटी पिक्चर जिससे आपको पता चलता है ये कौन सा प्रोग्राम है, तो उसे बोलते हैं आइकन्स। जो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे छोटे छोटे पिक्चर देखते हैं जिनसे पता चल जाता है कि वो कौन सा प्रोग्राम है, तो उसे आइकन्स बोलते हैं। मूवेबल इंडिकेटर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन टू आइडेंटिफाई पॉइंट टू कमांड। वो इंडिकेटर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करता रहता है और आपको बताता है कि आपको इस जगह पे कमांड देना, आप उस पर कुछ भी लिखेंगे तो वो जहाँ पर वो ब्लिंक कर रहा होगा वो इंडिकेटर, वहीं से वो लिखना, राइट करना, या उस पर कोई भी कमांड आप देंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगी, उसे बोलते हैं कर्सर। जो मूवेबल होता है, घूमता है और ब्लिंक करता है। पोर्टेबल कंप्यूटर दैट यू कैन यूज़ बाय कीपिंग ऑन योर लैप। वो पोर्टेबल कंप्यूटर जो आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं, वो पोर्टेबल कंप्यूटर जो आप अपनी लैप मतलब बगल में रख सकते हैं, तो लैपटॉप उसे बोलते हैं लैपटॉप। इसके बाद आता है चैप्टर 28। चैप्टर 28 प्लांट्स पे है ये चैप्टर, और इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द सीड ऑफ ए न्यू प्लांट आर फाउंड इन इट्स फ्लावर। जो सीड्स होते हैं नए प्लांट के वो उसके फ्लावर में पाए जाते हैं, तो ये ट्रू है। जितने भी फूल होते हैं उनके जो बीज होते हैं वो उसके फ्लावर में ही मतलब फ्लावर के अंदर ही उसके बीज पाए जाते हैं। द बम्बू इज़ ए स्मॉल वुडी ट्री। जो बम्बू है वो एक छोटा और लकड़ीदार पेड़ है, उस पर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, तो बम्बू जो है वो सही फॉल्स है इसका आंसर। ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ऑल प्लांट आर सेफ टू ईट। सभी प्लांट्स जो हैं वो खाने में सेफ होते हैं, मतलब उनको खाने से कुछ भी नुकसान नहीं होता, तो ये गलत है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप खाओगे तो वो आपके लिए सेफ नहीं है, उनसे नुकसान होता है। फिफ्थ इज द टिप ऑफ रूट ऑफ ए प्लांट दैट हैव हेयर दैट एब्जॉर्ब वाटर पासिस इट ऑन द मेन रूट। जो प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनकी जो टिप्स होती हैं, यानी कि उनकी जो मतलब लास्ट में जाके जो चोंच नुमा उसकी टिप होती है वो क्या करती हैं, प्लांट वो पानी जो होते हैं ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और
प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती हैं। तो वो किसका काम होता है, टिप ऑफ रूट, जड़ों के जो टिप होती है उसका काम होता है ज़मीन के अंदर से पानी को सोखना और पेड़ के दूसरे भागों तक पहुंचाना। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू इज़ द आंसर। द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड ए बॉटनी, पेड़ों की जो प्लांट पौधों की जो स्टडी होती है उसको बॉटनी बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ प्लांट यूजिंग वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू टर्न कार्बन डाइऑक्साइड इंटू फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो पौधे वाटर और सूरज और की रोशनी से, सूरज की एनर्जी से और पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को, तीनों को मिला के जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तीन चीज़ों से मिलके बनाते हैं, पानी, सूरज की जो एनर्जी होती है सनलाइट से, और थर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों से मिला के वो अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें ट्रू आएगा। ए क्लाइंबिंग प्लांट इज़ कॉल्ड ए कैक्टस, जो क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं, जो बेल होती हैं, जो किसी के सहारे से बढ़ती हैं, तो उनको कैक्टस बोलते हैं, गलत है, इसमें फॉल्स आएगा। दो मैनी एल्गाई हैव क्लोरोफिल दे आर नॉट ट्रू प्लांट, वो कह रहा है कि कुछ एल्गाई ऐसी होती हैं उनमें क्लोरोफिल होती है लेकिन फिर भी उनको प्लांट नहीं माना जाता। तो ये बिल्कुल सही है, वो हरी होती हैं लेकिन क्लोरोफिल होता है वो पिगमेंट जिसके कारण प्लांट जो होते हैं हरे होते हैं। तो वो जो एल्गाई होती है वो हरी होती है लेकिन उसको प्लांट नहीं माना जाता, तो ये बिल्कुल ट्रू है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्लांट रूट, जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स की, पौधों की जड़ों में होता है, गलत है। कहाँ पर होता है, पत्तियों में होता है, प्लांट्स की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसमें आपको रूट्स दी हुई हैं, जड़ें दी हुई हैं, तो ये गलत है, फॉल्स आएगा इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मोर ऑन प्लांट, मोर ऑन प्लांट में इसमें आपको टिक राइट बताना है, जो आंसर करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज, अभी हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, देते क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें यूज़ पूछा है तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन हैव देयर शेड इन देयर कॉन्स, हैव देयर सीड्स इन देयर कॉन्स, जो कॉनिफेरस ट्री होते हैं, कॉनिफेरस ट्री होते हैं जो ऊपर से नुकीले होते हैं, यानी कि वो इस तरह की शेप में होते हैं कि वो मतलब कि ऊपर से ऐसा होता है जैसे कोन बनी हुई है, तो इसलिए उनको कॉनिफेरस ट्री बोलते हैं। वो अपने जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, कहाँ रखते हैं, अपने कॉन्स में रखते हैं। आउट ऑफ दीज द प्लांट दैट डज नॉट हैव ए क्लोरोफिल इज, उस प्लांट का नाम बताना है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल का मतलब भी मैंने बताया, क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट जिसके कारण से जो प्लांट होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो किस कौन सा प्लांट होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, मशरूम, मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता। आउट ऑफ दिस द मटेरियल दैट कम फ्रॉम प्लांट इज, इनमें से कौन सा मटेरियल हमें प्लांट से मिलता है, तो ग्लास जो है, कांच जो है हमें प्लांट से नहीं मिलता, पर्ल मोती भी हमें कांच प्लांट से नहीं मिलता, जो रबर है, रबर जो है हमें प्लांट से मिलती है, पौधे से रबड़ का एक प्लांट होता है उससे मिलती है, तो आंसर है रबड़। ए प्लांट दैट हेल्प क्योर बर्नसिस, वो पौधा जिसे जलने जब कोई जल जाता है उसको सही करने के लिए लगाया जाता है, तो एलोवेरा उसका आंसर है। विच ऑफ दीज ट्रीज गिव्स एज ए टेस्टी फ्रूट, इनमें से कौन सा पेड़ है जिससे हमें टेस्टी फ्रूट फल मिलता है खाने के लिए, ओक ट्री, मैपल ट्री और एप्पल ट्री, तो कौन सा है, एप्पल ट्री, एप्पल मतलब सेब, सेब हमें खाने को मिलते हैं पेड़ों से। प्लांट दैट ग्रो इन वन ईयर फ्लावर द नेक्स्ट ईयर एंड द डाई आर कर्ल्ड, वो पौधे जिसमें एक साल फूल आते हैं, जो एक साल में बड़े होते हैं अगले साल उसमें फूल आते हैं और फिर मर जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एनुअल्स, यानी कि साल में केवल एक ही बार फूल आना, इसे वार्षिक प्लांट, वार्षिक पौधा बोलते हैं, तो एनुअल्स इसका आंसर है। फ्रूट विद अ पिट, वो फल जिसके अंदर पिट मतलब गड्ढा होता है, मतलब उसके अंदर गड्ढे के अंदर वो उसका जो पल्प होता है, गूदा होता है, वो होता है जो खाने का उसका पार्ट है वो उसमें गड्ढे में होता है, तो कौन सा है, मेलन, मेलन इज़ द आंसर। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज इन ए रेन फॉरेस्ट आर कर्ल्ड, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनके अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, जो पेड़ होते हैं जो रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनके ऊपर के हिस्से को, जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं, कनोपी, क्या बोलते हैं, कनोपी।
ए लो फ्लैट ग्रासलैंड इज कॉल्ड ए मीडो। लो फ्लैट मतलब जो नीचे होते हैं और फ्लैट ग्रासलैंड घास के मैदान होते हैं उनको मीडो कहा जाता है। विच ऑफ दिस इज अ प्रिकली प्लांट दैट लिव्स इन ड्राई प्लेस। इसमें से वो कौन सा प्रिकली प्लांट है, प्रिकली मतलब कांटेदार, वो कौन सा प्लांट है जिसमें कांटे होते हैं और वो सूखे एरिया में जब ड्राई प्लेस जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर मिलता है, तो कौन सा है, कैक्टस। कैक्टस का पौधा जिसमें कांटे होते हैं और वो उस जगह पे मिलता है जहाँ पर बारिश कम होती है ड्राई प्लेसेस। इसके बाद आज का लास्ट चैप्टर है प्लांट टाइप्स। ये मैचिंग है, इसमें आपको मैचिंग करने हैं। फर्स्ट इज प्लांट दैट आर ग्रास, वो पौधे जो घास भी माने जाते हैं, कौन से शुगर केन, बैम्बू एंड वीट, ये पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जो काफ़ी ऊंचे होते हैं लेकिन इनको घास की तरह ट्रीट किया जाता है। प्लांट दैट गैव सीरियल्स, वो पौधे जो अनाज देते हैं हमें, तो क्या है, कौन से आंसर है, राइस मेज एंड ओट्स, राइस चावल, मेज मक्का और ओट्स, तो ये जो होते हैं ये सीरियल्स हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। रिच डार्क ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सोइल, मिट्टी के अंदर जो रिच डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो खनिज पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस। फोर्थ इज एवरग्रीन कॉनिफेरस, एवरग्रीन मतलब जो हमेशा हरे रहते हैं वैसे पेड़, कॉनिफेरस पेड़ जो हमेशा हरे रहते हैं, कौन सा है, पाइन फिर और केदार, तो पाइन फिर और केदार है, एवरग्रीन है, हमेशा हरे रहते हैं और कॉनिफेरस ट्रीज माने जाते हैं। प्लांट दैट शेड लीव्स बिफोर विंटर, वो पौधे जो सर्दियां आने से पहले अपनी जो पत्तियां होती हैं उनको गिरा देते हैं, शेड मतलब छोड़ देते हैं, जो वो पौधे जो सर्दियों से पहले अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, कौन से होते हैं, डेजिडियस प्लांट्स होते हैं, वो डेजिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। फ्रूट दैट कम्स फ्रॉम ए प्लांट दैट इज़ नॉट ए ट्री, एक फ्रूट का नाम बताना जो हमें प्लांट से मिलता है और वो पेड़ भी नहीं है, पेड़ों से नहीं मिलता प्लांट से मिलता है, उस फ्रूट का नाम बताना, तो वह टोमेटो। टोमेटो जो होता है वेजिटेबल हम कंसिडर करते हैं लेकिन होता ही असल में फ्रूट है। प्लांट फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम द स्टेम, पौधे का वो फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा हरे कलर का पार्ट बताना जो उसके तने में से निकलता, तो उसके तने में से कौन सा पार्ट निकलता, पत्तियां, उसे लीफ बोलते हैं इंग्लिश में। लीफ जो होती है फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं और ग्रीन कलर की होती है, और कहाँ से निकलती हैं, उसके तनों में से, स्टेम में से, तो आंसर है इसका 7 इज लीफ, पत्तियाँ। वेजिटेबल दैट आर गॉड्स, वो सब्जियाँ जो गॉड्स होती हैं, गॉड्स मतलब जो बेलों में होती हैं, तो कौन सी है, पम्पकिन, स्क्वैश एंड जुकिनी। फ्रूट दैट ग्रो ऑन ए वाइन, वाइन मतलब बेल, वो फ्रूट वो फल जो बेल पर होता है, तो सबको पता कौन सा है, ये आपका है ग्रेप्स, ग्रेप्स जो होते हैं अंगूर जो होते हैं उसकी वाइन होती हैं। रूट्स दैट वी ईट, वो जड़ें जिनको हम खाते हैं, प्लांट्स की पौधों की वो जड़ें जिनको हम खाते हैं, तो कौन किस किस को खाते हैं, आंसर है बीट, बीट रूट होती है, पटैटो, पटैटो मतलब ये भी ज़मीन के अंदर होता है, आलू जो है ज़मीन के अंदर होता है उसकी भी जड़ें खाते हैं, कैरेट उसकी भी जड़ें खाते हैं क्योंकि वो भी ज़मीन के अंदर होता है, और वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब तरबूज इसकी भी हम जड़ें खाते हैं, तो ये ज़मीन के अंदर होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं कि ये रूट हैं जिनको हम खाते हैं, तो ये मैचिंग है। इसके आपको ये चारों चैप्टर, कंप्यूटर टर्म्स, प्लांट्स, मोर ऑन प्लांट्स एंड प्लांट टाइप, ये चारों चैप्टर आप अपनी कॉपी में करेंगे। आज आपका ये जीके का सिलेबस हाफ ईयरली तक फिनिश, इसके बाद हम आगे का जब एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करेंगे, आपके एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 30 तक आएगा इस बार हाफ ईयरली में, तो आज इस बार हाफ ईयरली का सिलेबस यहाँ पर फिनिश होता है। ये चैप्टर 30 तक आप अपने कंप्लीट कर लीजिएगा और ये चारों चैप्टर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।